और जैसे आपने कहा कि मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, मेरा आबाई गांव भी है, मैं उखड़ाल का रहने वाला हूं। मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ होता आया है पिछले 70 सालों से। चाहे किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, जिसमें एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो टूरिज्म मैप में लेने के लिए मैंने 2018 में, 2017 में, 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद उसका जवाब वहाँ से आया, सेक्रेट में उसका प्रोसेस चला। उसके बाद बड़ी खुशी की बात हमें महसूस हुई, हमें बड़ी अच्छी खबर मिली कि हमारे कुछ इलाके जो हैं जिसमें सरगली, सुनसेरी, शर्वाधर, शर्वाधर एक ऐसी जगह है, पवित्र जगह है, वहाँ एक माता का दरबार भी है, वहाँ हर साल यात्री भी जाते हैं, दो दो महीने यात्रा चलती है। सरगली, शर्वाधार, सुनसेरी, मालिनसर, महुमंगत, नीलटॉप, इन इलाकों को टूरिज्म में लेने के लिए सेंक्शन भी मिल गई और ये इलाके आइडेंटिफाइड हो गए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पैसा तक रिलीज़ कर दिया। मगर जब वहाँ पर मैं देखने वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पर देखने को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर डेवलपमेंट यानी उस टूरिज़्म उन इलाकों को टूरिज़्म मैप में लेने के लिए कोई भी कार्रवाई जो है शुरू नहीं की गई है। और साथ में एक और बात बताना चाहूँगा, कुछ इलाके, कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें उखड़ाल टू बिंगारा एक रोड बना है, थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ है, और उखड़ाल में पुल न लगने की वजह से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो सड़क से महरूम हैं। उनको कोई बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको पैदल कहीं कहीं घंटे पैदल आना पड़ता है, और आज के दौर में भी उनको सड़क से महरूम रखा गया है। कारण यह है कि एक उखड़ाल में जहाँ से वो रोड शुरू होता है, उस पुल के न बनने की वजह से वो रोड जो है आज के डेट में भी अनकम्प्लीट है। नंबर 3, जो हमारा एक दरदही इलाका है जिसमें सारी कार्रवाई होने के बाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, एडवाइज़र साहब से, सभी से सर्वे के लिए मैंने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब के लिए एक आर्डर इशू करवा दिया था पिछले कई महीने पहले, और आज तक उस रोड का सर्वे नहीं शुरू हुआ है, जिसमें खौड़ा, आमा, कावालिन, दरदही ये इलाके जो हैं ये रोड से महरूम हैं। चक्का, सरबगनी, कई रोड ऐसे हैं जहां पर, कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज तक रोड नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हमने आर्डर इशू करवाया था कि इन रोड्स के सर्वे कीजिए, उस पे आज तक सर्वे नहीं हुआ। उसके बाद एक और मुद्दा है हमारा, जो उखड़ाल एक हमारा तहसील हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट रामबन में उखड़ाल, वहाँ पर 2016 में एक पब्लिक पार्क का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था हमारे उस वक़्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर साहब और उनके साथ 4 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के भी थे और लॉ मिनिस्टर हक खान साहब भी थे। फाउंडेशन स्टोन डालने के बाद उस पार्क पर कुछ पैसा भी खर्च हुआ और उसके बाद वो पार्क बना और वहाँ पर जो है आज मलबे की ढेर में, न उस ऑनर को जिसकी ज़मीन को बर्बाद करके रख दिया, न उसको कंपनसेशन दिया गया, न उस पार्क को बनाया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं दिल्ली में गया और वहाँ से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं BS बलोरिया साहब, उनको हमने, उन्होंने हमारे इन सारे डिटेल्स को, सभी प्रोजेक्ट्स को हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन यानी DC रामबन के लिए एक लेटर इशू किया है। उन्होंने इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर इन कामों की रिपोर्ट मांगी है और इसके बाद हम RTI फाइल करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन कामों के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो DC साहब हैं काफ़ी ईमानदार हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, हमें सुनने में आया और हर काम के ऊपर तवज्जा देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कल या परसों मैं उनके पास ये लेटर लेके जा रहा हूँ और मैं यही अपील करूँगा DC रामबन से कि वो तमाम कंसर्निंग अथॉरिटी से पूछें और तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर साहिबान से
मीटिंग करके इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर तवज्जा दी जाए और वो वहाँ के लोग मजीद सफर न हो। हमेशा से ही डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, डेवलपमेंट के हो, किसी भी तरीके से जुड़े हो, वहाँ पर सिर्फ कागजों में काम होता है और बुनियादी सहूलियत से लोग महरूम रह जाते हैं और ज़मीनी सतह पे देखने को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट के ज़रिए ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के रामबन के जो डीसी साहब हैं उनके लिए एक लेटर लाया है। अगर इस पे डीसी साहब ने फौरी तौर पर एक्शन नहीं की तो हम आरटीआई के ज़रिए इसकी रिपोर्ट मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर एक पिटीशन फाइल करेंगे कि ये डिले किसकी वजह से हो रहे हैं ये काम और इसका कसूरवार कौन है। क्योंकि हमारा रामबन इलाका जो है हमेशा से ही, वहाँ रामबन की बात करूँ, वहाँ पर एक मेत्रा में एक पुल है जहाँ पर सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आना जाना है, उस पुल को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, सरगली, शरवाधार, नीलटॉप, सुनसेरी, मालनसर, महुमंगत, इतने खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पर टूरिज्म सेंक्शन होने के बाद भी उन इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सरासर हमारे वहाँ के यूथ के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफी है। मैं एक बार फिर जनाब डीसी रामबन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़ाती तवज्जो देकर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कार्रवाई शुरू कराए और वहाँ के जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहबान हैं उनकी मीटिंग लेकर उनको ये आदेश जारी करे कि ये प्रोजेक्ट्स जो है फौरी तौर पर इनको इन पर काम होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से। शुक्रिया, धन्यवाद।